नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल गुप्ता और आप देख रहे हैं सीके न्यूज़ चौगामा की आवाज़ को। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार आज 3 मदरसों के छात्राओं द्वारा तिरंगा रैली निकाली गई और ग्रामीण क्षेत्रों में तिरंगे ध्वज का वितरण हुआ। इस अवसर पर तिरंगा रैली के संयोजक फैजुर रहमान मुजफ्फरनगरी, शालिनी अली राष्ट्रीय महिला संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, प्रमुख समाजसेवी मनीष चौधरी, संरक्षक हिंदू महासंघ, ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी के शावेज अंसारी, शाह आलम डॉक्टर जैदी, डॉक्टर अब्दुल खालिक ने तीनों मदरसों की छात्राओं को झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली अम्बा विहार की मुख्य सड़कों से होती हुई निकट के क्षेत्रों में पहुँची, जहाँ ग्रामीणों को राष्ट्रीय ध्वज वितरित किए गए। छात्राओं व स्टाफ ने पूरे उत्साह के साथ राष्ट्रभक्ति के नारों को लगाते हुए और राष्ट्र के शहीदों को याद करते हुए पूरे अनुशासन के साथ तिरंगा रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए मदरसा जामिया फातिमा लिल बनात पर समाप्त हुई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रमुख समाजसेवी मनीष चौधरी ने मदरसों की छात्राओं को आज़ादी के महत्व को समझाते हुए कहा कि आज़ादी एक ऐसा दिन है जो हमको याद दिलाता है उन शहीदों की, जिन्होंने भारत के लिए अपना घर, अपना परिवार व अपनी ज़िंदगी सब कुछ कुर्बान कर दिया। बड़ी कुर्बानी और शहादतों के बाद हमें ये आज़ादी मिली है। चौगामा की आवाज़ के लिए मुजफ्फरनगर से संवाददाता काशिफ जमाल की रिपोर्ट। दोस्तों, इसी तरह की खबरें प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देखिए माननीय, ये तिरंगा महोत्सव जो लगातार चल रहा है 13 तारीख से 17 तारीख तक पूरे देश में चल रहा है और बच्चा भी इस कड़ी में मुहिम जो छेड़े हुए हैं और इसमें सबसे सुंदर कड़ी आज यहाँ देखने को मिली है अम्बा विहार कॉलोनी में, जो कि मदरसे की सुंदर सभी छात्राएं अपने वेश में और कहीं ना कहीं एक तिरंगा यात्रा लेकर एक संदेश देने का काम कर रही है कि हर झंडे से अलग हमारा भारत का झंडा जो तिरंगा झंडा है वही सर्वप्रिय है और भारत माता के लिए वो अपने प्राण भी गंवा देंगे। तो इसी कड़ी में ये तिरंगा यात्रा जो मैसेज देने का कार्य कर रहे हैं और हम अपने द्वारा जो भी देखा है इसमें कि आज मदरसे में भी कुछ बच्चे हमें इनके साथ जाने का मौका मिला, तो वास्तव में वहाँ पे इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई चल रही है और बहुत सुंदर छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर पढ़ाई का ज्ञान ले रहे हैं और ये जो कार्य कर रहे हैं कहीं ना कहीं एक देश में, समाज में एक मैसेज देने का कार्य हो रहा है, जो कि इस समय सारा माहौल देख रहे हैं आप, उसी कड़ी में जैसे इन बच्चों ने मैसेज दिया है तो कहीं ना कहीं हम सबको एक एक करके दो नहीं होना है, हम सबको एक होना है और अगर हम दो रहेंगे तो तीसरा आदमी से फायदा उठाएगा जिसको हम उठाने नहीं देंगे, तो इसलिए हम सबको एक होना है और इसी कड़ी में जैसे कि आप देखते हैं जो राष्ट्रीय